TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. अरे आप तो वही हो ना जो दिन मुझे दरगाह पे मिले थे। आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा अंदर है। आपको मम्मा से मिलना है, मैं मिलवाऊँ मम्मा से। साधिका वेदिका की ही बेटी है, जानकर क्या प्रतिक्रिया होगी साहिल की अब? मामा। क्या वेद और साधिका के असली माँ बाप के राज से उठ जाएगा पर्दा? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से। कहाँ रह गया साहिल? पुलिस स्टेशन से तो अब तक आ जाना चाहिए था उसे। 5 साल बाद वेदिका फिर एक बार आई है साहिल के घर। क्या बस मेरे घर आया था। लेकिन क्या इस बार भूमि का डर हो जाएगा सच जब छिड़ेगी वेद की बात? थैंक यू भूमि, तुमने 5 साल सिर्फ साहिल का ही नहीं आर्या और वेद का भी ख्याल रखा। जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से। 5 साल पहले का सच सामने आते ही क्या वेदिका पड़ जाएगी कमजोर? साहिल और मेरी बेटी है साधिका, और उसकी रक्षा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। क्या होगा वेदिका का अगला कदम? अग्रवाल हाउस पे कानूनन मेरे पति का हक आप सबसे ज्यादा है। मैं यहाँ साधिका के खातिर आई हूँ। साधिका और मैं यहीं रहेंगे। क्या वेद के साथ उसके रिश्ते की सच्चाई का खुलासा हो जाएगा अब? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से। साहिल और वेदिका की बढ़ती नजदीकियों से भूमि को है इनकार। वेद को खोने की चिंता में क्या कुछ ऐसा कर जाएंगे अग्रवाल जिससे हो जाएगा उनके अतीत के डर और गुनाह का पर्दाफाश? अब बस एक ही बात सच है कि वेदू तुम्हारा और साहिल का बेटा है। ना इस घर में आपके लिए कोई जगह है, ना हम में से किसी की जिंदगी में। पर तुम मुझे यहाँ रहने से नहीं रोक सकते। जानिए इस पूरे सप्ताह सिर्फ आपके आ जाने। साहिल और वेदिका फिर एक बार रहने लगे हैं एक ही छत के नीचे, पर दबे कुछ राजों से पर्दा उठने का सबको है डर। जहाँ बड़ी अम्मा और भूमि डर रहे हैं वेद की असलियत वेदिका से छुपाने के लिए, वहीं साहिल के जहन में वेदिका के लिए बचा प्यार देने लगा है दस्तक। लेकिन क्या होगा अंजाम? वेदिका जी, जानिए इस पूरे सप्ताह आपके आ जाने से में। जन्माष्टमी के त्योहार पर बाल गोपाल का स्वागत किया जाएगा अग्रवाल निवास पर, लेकिन इसी बीच रचा गया है एक षड्यंत्र आर्या को मारने का। वहाँ से बटन दबाएगा और यहाँ झूला, और अनजाने में शिकार बनने वाला है सबका चहिता वेद भी। पर वेदिका माँ का प्यार क्या बचा लेगा अपने कान्हा को इस मुसीबत से? जानिए इस महासप्ताह आपके आ जाने। अपने ही बेटे वेद की जान बचाते हुए वेदिका माँ ने खा ली है गोली, लेकिन क्या वेदिका के कहे आखिरी शब्द हो जाएंगे सच और खत्म हो जाएगी साहिल वेदिका की अनोखी प्रेम कहानी यूं ही? वो मरनी नीचे, वो मरनी नीचे। क्या वो मेरी मम्मा को, मेरी मम्मा मार के नहीं गई? क्या आर्य साधिका और वेद के सर पर से उठ जाएगा माँ का साया? जानने के लिए देखते रहिए आपके आ जाने से। वेदिका के गुजर जाने के बाद आर्या और साधिका के सर पर से छिन चुका है माँ का साया। सदमे में है साहिल और शोक में डूबे हुए हैं मंजुला और भूमि। वहीं बड़ी अम्मा दीपक और पुनीश को मिली राहत की सांस। पैर में धसा हुआ कांटा आज निकल गया पैर से। क्या इसके बाद साहिल अपना लेगा पूरी तरह से भूमि को, या खो देगा अपने आप को वेदिका की यादों में? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली। आने वाले हर जन्म में मैं प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन सब चीजों से सख्त नफरत करने वाला हूँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मैं आपको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? जब भी ये मनहूस औरत इस घर में आती है कोई ना कोई तमाशा। तमाशा मैंने नहीं, आपके इस दामाद ने किया। अगर तुम्हारी बेटी मेरे पास है तो मेरा बेटा कहाँ है? गरीब रिलैक्स, हमने कुछ गलत नहीं किया है। हम पहले पति पत्नी थे और हमारे बीच शारीरिक संबंध पहले भी हुए। एक बेटी है हमारी। सब ठीक है मनीष, पर अब मैं दीपक जी की पत्नी हूँ। हाँ, जिसे तुम प्यार नहीं करते और हम दोनों साथ रहना चाहते, ये भी तो सच है ना? हाँ, और अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहती, मैं कल ही घर पे बता दूंगी। ये जानने के बाद दीपक जी क्या करेंगे, ये सोच के ही मेरा दिल घबरा रहा है।
ये तुम क्या कह रही हो? किसकी बेटी? तुम मुझे सच पहले ही बता चुके हो, अब झूठ बोल के क्या फायदा? माइंड ना करिएगा, हम झूठ नहीं कह रहे। झूठ ही बोल रहे हो तुम। सादिका का प्यार तुम्हें वहां खींच लाया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है दीपक। दीपक, एक बाप और बेटी का बहुत गहरा संबंध होता है। अगर तुम ये कह रहे हो कि अपनी बेटी को देख के तुम्हारा दिल नहीं करता उसे अपने सीने से लगाने का, अपनी गोद में उठाने का, तो तुम झूठ बोल रहे हो। वेदिका जी, अपना बकवास बंद कीजिए। किस बेटी के बारे में बात कर रहे हैं आप? पागल हो गई है ये। तुम जहाँ से जहाँ से चल, चल। यही रुको तुम। वेदिका जी, दीपक, तुमसे कुछ कहना है मुझे। गौरी, सादिका, सादिका दीपक और तुम्हारी बेटी है। पांच साल पहले जब दीपक ने तुमसे कहा था कि तुमने मरा हुआ बच्चा पैदा किया है, वो झूठ था। तुमने एक बेटी को जन्म दिया। सर मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। तुमने सादिका को जन्म दिया था। अब समझ आया, जिस दिन से सादिका को देखा है मेरे मन में उसके लिए इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है। चलो अपनी बच्ची को ले लो। वेदिका पर लगा रहा है पूरा अग्रवाल खानदान लांछन। ये औरत इतनी चालाक निकली कि दौलत के लालच में हमारी गौरी की बच्ची को लेकर ही चली गई। लेकिन अब है साहिल की बारी एक बड़ा कदम लेने की। अगर जरूरत पड़ी तो अग्रवाल नाम छोड़ने को भी तैयार हूँ मैं, पर अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। क्या साहिल मिला देगा वेद को उसकी असली माँ से, या एक बेटे को खुद ही एहसास होने लगेगा इस सच का? वेदिका आंटी, जानिए आपके आ जाने से की अगली। आपके बहू और बेटे ने पहली बार कोई फैसला एक साथ लिया है फिर से शादी करने का। हमारे बेटे की शादी में हमारे अरमान भी पूरे हो रहे। कबीर और सारा की शादी बिना हंगामे के तो नहीं होगी। इस बार हम ऐसा हंगामा करेंगे कि इन दोनों की शादी पूरा लखनऊ याद रखेगा। प्रीता जी, I really love you. एक मुद्दत से आपको ये बात कहना चाहता था। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। हर बार हुदूद तक आते आते ये बात रुक जाती थी। ऋषभ जी और करण के नाम पर झूठा कलंक लगाया ना तुमने, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूँ। तुमने जो किया है ना उसकी सजा दिलवा कर। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनी, मीरा बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो सनी जिंदा है इंस्पेक्टर साहब, आप किसी भी तरह ढूंढिए उसको प्लीज। मेरी बात सुनिए, सनी जिंदा है। मिस्टर सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, वो केयर करते हैं मेरी, और मैं भी बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, उनकी केयर करती हूँ। प्यार करती हैं,